आज दीपा श्रीवास्तव बच्चों को बर्ड की ड्राइंग सिखाने जा रही है, क्योंकि टीचर स्कूल में आता है फेवरेट बर्ड बनाओ, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, पर सेकंड के स्टैंडर्ड के बच्चे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकते, तो उनको एकदम ईजी बर्ड बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे, स्टेप से यू लेंगे, स्टेप से आप कर सकते हैं ये लेकर के आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, ये देखिए स्टेप से आप मिक्स कर सकते हैं इसको, स्टेप से बर्ड बनती है। यहाँ पे आप इसका ऐसा ट्रायंगल निकाल देंगे, स्टेप से लेना है पहले एल शेप निकालना है आपको, उसके बाद इसमें ऐसा बनाना है, यहाँ पे वापस ऐसा लेना है, इसको स्टेप से बनाना है, इसमें भी यू शेप ले लेना है, ऐसा यहाँ तक लाना है, फिर आपको पंख देने हैं। तो ऐसे दो बर्ड बनानी है। यहाँ पे छोटा बच्चे बहुत बड़ा बड़ा चोज बनाते हैं, तो आप चाहिए तो इस टर्न करके भी बना सकते हैं, इस टाइप की बना सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का लुक दे सकते हैं इसका। और यहाँ पे मोर लेस सीधा लाइन नहीं खींचनी उनको, इस टाइप से बनाना उनको। अगर वो ब्रांच पे बैठी तो आप ब्रांच यहाँ से निकाल दीजिए, देखिए मैं यहाँ से सिंपल ब्रांच यहाँ पे निकाल रहे हैं, इस टाइप से ब्रांच निकाल दिया जिस पे वो बैठी हुई है, और इसके ऊपर से फिर से एक और लाइन गई जिसमें हम एक और बर्ड बनाएंगे जो इस शेप में इधर इस तरफ फेस की रहेगी, इस टाइप से। इसका भी हम पहले यू बनाएंगे, इस टाइप से यू लेना है आपको, यहाँ से लेना बहुत पतला, यहाँ से नहीं लेना है आपको, यहाँ इस जगह से लेना है, ऐसे यू करके इसको पैक कर देना है। एल इस टाइप से ट्रायंगल बनाना है आपको, इस टाइप से लीजिए, इसमें लाइन खींच लीजिए, ठीक है, इसको भी यहाँ से ऐसा लीजिए, यहाँ चाहिए हार्ट शेप भी, आप ऐसे हार्ट शेप भी बना सकते हैं, इसे भी हार्ट शेप दे सकते हैं, ठीक है। आईज बनाइए बिग आईज, और इसकी भी चोच सेम, यहाँ पे इस टाइप करिए। बर्ड बहुत टाइप की होती हैं, आपको जो पसंद हो, स्पैरो, पैरट, जो भी आपको पसंद है वो बर्ड आप इसमें बना सकते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ से बनाने के बाद आप यहाँ से एक ब्रांच और लेके जाएंगे जिसमें ये दूसरी बर्ड बैठी हुई है, यहाँ से ब्रांचेस निकाल देंगे, तो ये जो पूरा पीछे का स्काई वाला पोर्शन आपको दिखेगा वो पूरा प्लांट और ब्रांचेस से भरा हुआ रहेगा, इस टाइप से। आप चाहिए यहाँ पे छोटी चेरी लटका दीजिए तो और कलरफुल ड्राइंग आपकी लगेगी, ये देखिए वैसे चेरी गोल गोल चेरी लगा देते हैं, चाहिए तो आप मैंगो लगा दीजिए और उस पर बर्ड आपकी बैठी हुई है, पर चेरी बनाना इजी रहेगा कि बस सर्कल करके आपको ऐसा करना रहेगा। इसकी पत्तियाँ भी आपको इस टाइप से करनी पड़ेंगी, उल्टा सी टाइप कैसे करते जाना है, ये देखिए इस टाइप से कर दिया, इधर भी आप ऐसे ले लेंगे, तो पूरे पेज में आप इस टाइप से ढेर सारे ब्रांच और लीफ बना देंगे, और बड़े बड़े बिग बिग बनाने हैं ताकि कलर करने में इजी रहे, बहुत स्मॉल बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, और आपको पूरा पेज कवर करना है, ठीक है। तो हम हल्का सा आपको बना के हल्का कलर बता देते हैं। अब इस जगह पर जब आप कलर करेंगे तो ये स्लिपिंग में रहेगा, ये जो पीछे का बैकग्राउंड आपका है स्काई वाला जो दिख रहा है पोर्शन, वो आप स्लिपिंग में कलर डालेंगे बहुत हल्के हाथ से, इस टाइप से आप स्लिपिंग में पूरे स्काई को आप धीमे धीमे, बहुत ज़्यादा कलर को प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से कलर आप डालेंगे, सब स्लिपिंग लेना है, स्टैंडिंग नहीं लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो लीफ है, पहले लाइट ब्लू होने के बाद ही आपको लीफ और ब्रांचेस करनी है, इसमें हम ऐसे आउटलाइन कर लेंगे, जितनी आपकी लीफ दिख रही हैं कुछ आप डायरेक्ट कलर से बना सकते हैं,
इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को डेली थोड़ी थोड़ी ड्राइंग जरूर बनवाया कीजिए, ताकि उनका हाथ काफ़ी अच्छे से ड्राइंग बनाने के लिए मूव करता रहे। ठीक है, ये ग्रीन आप कर देंगे, इधर चेहरे की जगह ग्रीन करेंगे। पहले ब्लू करने के बाद, हम पूरा ब्लू नहीं कर रहे हैं, आप पूरा ब्लू कर लीजिएगा, फिर आप डार्क ब्राउन लेंगे। जी, हम डार्क ब्राउन ले लिया हमने, और इसकी ब्रांचेस बनाएंगे। ये में ब्लैक आपको डार्क ब्राउन लेना है। हमने वन साइड ब्लैक ले लिया है और वन साइड इसके ऊपर ही डार्क ब्राउन। कभी भी कलर में डार्क ब्राउन नहीं होता, तो हमको ब्लैक एंड ब्राउन मिला करके बनाना पड़ता है इस टाइप से। बच्चे शायद मोटा मोटा ब्रांच बना दें, तो उनको बनाने दीजिए। अब इसके अंदर हमको ये स्टैंडिंग में कलर होगा, ये इस डायरेक्शन में कलर होगा, ऐसे कलर नहीं होगा, इस स्टेप से नहीं होगा। ठीक है, स्लिपिंग में लेना है। ये आपको स्लिपिंग में, यहाँ पे स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग है, पेड़ और नीचे से भी है ट्री, पर हमने हाफ पोर्शन की ड्राइंग खींची है, फ़ोटो खींची है, ऐसा समझाना पड़ता है बच्चों को कि बिल्कुल हमने क्लोज़अप बर्ड की फ़ोटो ली है, तो इसलिए क्लोज़अप ये दिखेगा। और अगर हम बहुत दूर से लेते तो बर्ड हमको बहुत छोटी दिखती, इसलिए हमने बहुत पास की ड्राइंग बना रहे हैं। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी स्टेप से। यहाँ पर आप लाइट ग्रीन डालेंगे, छोटे बच्चे के लिए डार्क ग्रीन लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़े और बड़े हैं, वो भी बनाना इसको चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा येलो कलर भी लगा सकते हैं इसमें। और बर्ड किसी भी रंग के आप बना सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट कलर हो। और कोई अगर एकदम रियल बर्ड बना रहे हैं, जो आपकी पैरेट है, तो उसको आपको सेम कलर करना पड़ेगा जिस रंग की होती है। ठीक है, ये आपने ले लिया। अभी चेहरे के लिए भी हम रेड से आउटलाइन करेंगे। ठीक है, स्टेप से रेड से हम आउटलाइन कर देंगे, तो बहुत ही प्यारा ड्राइंग लगेगा ये पूरा बनने के बाद। अभी आप इसको रेड करेंगे सर्कल में कलर डालकर, और हल्का सा इस जगह पे ऑरेंज कलर लगा देंगे इस टाइप से। इस जगह पे हल्का सा ऑरेंज कलर लग टच कर देंगे पहले इस टाइप से। देखिए, इस जगह पे आप हल्का ऑरेंज पहले लगा दीजिए, और फिर आप इसको रेड कलर डालिए सर्कल में। इस डायरेक्शन में डालिए, ये भी रेड से आप पहले आउटलाइन कर लीजिए। इस स्टेप से पूरी ड्राइंग को आप कंप्लीट कीजिए। लाइट ग्रीन और येलो का टच करके डायरेक्ट किया। अभी आपके पास और लीफ बनाने का मन है, तो आप इस टाइप से ब्लू के ऊपर भी आप इस टाइप से करके ऐसे आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्का वाइट छूट रहा है आपका, तो फिर से आप वाइट कलर या प्लेन वाइट कलर भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए, बताना चाहते हैं, बच्चे बहुत दबा के ड्राइंग बनाते हैं तो पेपर पे लाइन आ जाती है, तो कोशिश करें नीचे कुछ इस टाइप का पेपर रखें जिससे ये लाइन ना आए। इसको बताने के लिए हम इस टाइप से, क्योंकि बच्चे बहुत प्रेस करके ड्राइंग बनाते हैं, तो ये देखिए पीछे की ड्राइंग की लाइन सब आ गई हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दीजिए, जब भी आपके बच्चे ड्राइंग बनाए तो पीछे सीट रख दीजिए या पेपर रख दीजिए, ताकि नेक्स्ट पेज पे बहुत प्रेस होकर ड्राइंग ना पीछे आ जाए। ठीक है, अभी बर्ड में हम जैसे ऑरेंज रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन लेंगे, या ऑरेंज एंड येलो का, तो हम सबसे पहले ऑरेंज से आउटलाइन कर लेंगे इसकी, इसको भी ऑरेंज से कर देंगे।
ये जो पूरी ड्राइंग है उसको पहले ऑरेंज से हम आउटलाइन करेंगे और येलो कलर अंदर डालेंगे। आपको कोई भी दो कलर पसंद हो, जो भी वो कलर आप इसमें डाल सकते हैं बर्ड में। ये देखिए स्टेप्स हम ले रहे हैं और हम इसके अंदर येलो कलर डालेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा, ये वाला एरिया में भी आपका। इसके अंदर हम येलो ले लेते हैं, इस टाइप से येलो ले लिया, इस डायरेक्शन में आपने येलो कलर डाल दिया। ये देखिए पहले हम लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर हम डार्क कलर का भी शेड करेंगे। येलो लगा दिया हमने, जिस डायरेक्शन में ड्राइंग बनी उसी डायरेक्शन में कलर लगाना है हमको। स्लीपिंग ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, इस डायरेक्शन में हमको कलर लगाना है। जैसे वाइट वाइट बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, ग्रे कलर लेंगे, थोड़ा सा ग्रे या ब्राउन कलर आप ले लीजिए लेग के लिए। चोंच में आपको रेड चाहिए या जो कलर आपको पसंद है उस तरह का चोंच ले लीजिए। इसको हम लोग हल्का सा रेड कलर का डालेंगे कलर आइज़ में, यहाँ पे रेड कलर की थोड़ी शेडिंग देंगे। इस जगह पे रेड की शेडिंग दे देंगे हम हल्की सी, हल्के हल्के ऐसे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमको कलर। इस टाइप से दोनों बर्ड को आपको कंप्लीट कर लेना है। ब्लू में अगर हम येलो कलर टच करते हैं तो ये कलर बन जाता है, ये देखिए। तो इस टाइप की आपकी बर्ड दोनों को आपको रेडी कर लेना है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसको बनाइए। फिर आपको हल्का सा ये वाला कलर ले लेना है, कहीं कहीं पे आप जहाँ पे शेड है वहाँ पे शेड डाल सकते हैं इस टाइप से। जहाँ जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ पे हल्का सा पत्तियों के नीचे इस साइड में ऐसा शेड डाल देते हैं पर्पल कलर का, ठीक है। चेरी के साइड में इस साइड में एक साइड डाल दीजिए इस टाइप से। ये छोटे बच्चे नहीं करेंगे, ये फिफ्थ के बच्चे होंगे वो करेंगे। छोटे बच्चे सिंपल कलर कर देंगे जैसा हमने पहले दिखाया था, ठीक है। इस टाइप से ये ड्राइंग बन जाएगी। और अगर आपके डॉट ऐसे दिख रहे तो आप फिंगर से भी मर्ज कर सकते हैं, इस टाइप से भी मर्ज कर देते हैं। कभी के बच्चे बहुत गंदा करते हैं इसलिए फिंगर से मर्ज करना नहीं बताते हैं, पर जो बड़े बच्चे हैं वो ऐसे मर्ज कर सकते हैं फिंगर से ऐसे लगा करके, इस टाइप से मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए तो ये अच्छे से वाइट वाइट जो पैचेस होते हैं वो नहीं दिखते हैं, इस टाइप से फिंगर से मर्ज कर दिया जाता है। तो हर समय नहीं करना है, कहीं कहीं भी जब भी आपको ऐसा लगता है तो करें। जहाँ जहाँ वाइट वाइट छूट जाता है तो हल्का सा आप फिंगर से इस तरह से मर्ज कर दीजिए, ठीक है। पूरा नहीं करके दिखा रहे हैं, जैसे ये ब्राउन है तो ब्राउन में हल्का सा, जहाँ जहाँ आपके वाइट दिख रहे हैं तो आप हल्का सा इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लेग बना दे रहे हैं इसको। तो ये बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री या फिर माई फेवरेट बर्ड, इस टाइप से माई पेट आ गया तो भी आप इसको दिखा करके दिखा सकते हैं कि आपने पाला एक बर्ड। एक तरफ हल्का सा वन साइड शेड डाल दीजिए इस टाइप से, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया हमने, ब्लू एंड येलो बताया था मिलकर ग्रीन बन जाता है। तो इस ड्राइंग को आप देखिए, देखिए काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ढेर सारे बच्चों को भेजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल दिया कीजिए आप लोग। ड्राइंग कम्पिटिशन आने वाला है तो बच्चों को ये सब प्रैक्टिस करवाइए। सेकेंड थर्ड के बच्चे इस ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।